జిల్లా కేంద్రంలోని రూబీ ఫంక్షన్ హాల్లో పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎస్సీ సునీల్లత్ మాట్లాడుతూ, ఇలాంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించడంతో పేదవారికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని అన్నారు. రానున్న రోజుల్లో మరి ఎన్నో శిబిరాలు నిర్వహిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో డబ్బులు అధికంగా వసూలు చేస్తారని, ఈ శిబిరాలతో సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులో ఉచితంగా వైద్యం అందుతోందని, మందులు కూడా ఉచితంగా రోగులకు ఇస్తున్నారని ఆయన తెలియజేశారు. ఈ శిబిరాన్ని సహకరించిన వైద్యులకు ఈ సందర్భంగా వారు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ సీఏ ప్రకాష్ కుమార్, రోడ్ సిబ్బంది, ముస్లిం మత పెద్దలు పాల్గొన్నారు. మా గౌరవనీయులు, మా జిల్లా ఎస్పీ గారు శ్రీ సునీల్ దత్ గారిని వేదికని అలంకరించవలసిందిగా నా యొక్క మనవి. శ్రీ గురువారెడ్డి గారిని రావడం జరుగుతూ ఉంది. పేషెంట్లకు మధురముల ముఖం జనాబ్ సునీల్ దత్ సాహాబ్, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జగ్దియాల్, ఐఎంఐ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఆర్ జగ్జిఆర్కే, మషూర్ డాక్టర్స్, లేడీ డాక్టర్స్ ఆర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ హాజరీన్ జల్సా, బడీ ఖుషీ కి బాత్ హై. ఆర్ హమారే డైనమిక్ సిఐ సాహబ్ ప్రకాష్ సాహబ్ ఆర్ మోసుద్దీన్ హజరాత్ పేషెంట్స్, బడీ ఖుషీ కి బాత్ హై. హమారే మొహతరమ్ ఎస్పీ సాహబ్ నే ये सोचा कि पुलिस की जानिब से, फ्रेंडली पुलिस की जानिब से एक मेडिकल कैंप इन्होंने रखा है, इसलिए कि आदमी जब तक सेहतमंद नहीं रह सकता, ना तो तालीम हासिल कर सकता है, ना वो कुछ काम कर सकता है. आपने ये सोचकर पूरे हमारे एरिया में जो हिंदू भाई और मुसलमान जो भी है, उनके लिए कल से हम कोशिश करते आ रहे. तकरीबन पूरे इलाके में हम ऐलान कर चुके हैं मसाजिद में कि हमारे एसपी साहब की जानिब से मेडिकल कैंप यहाँ पर रखा गया है फ्री. और जगत्याल के मायानास मशहूर डॉक्टर्स, जगत्याल की तारीख में इतने डॉक्टर्स यहाँ पर कभी नहीं आए, हमारे खुशकिस्मत के. और एसपी साहब के कहने पर जो आए, हम आप सबका वेलकम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ये कैंप्स रखने की वजह से एक तो फर्स्ट टाइम है ये पुलिस की जानिब से एक फ्रेंडली पुलिस, यानी लोगों के अंदर जो डर और खौफ रहता है वो एक खत्म हो जाता है, और जो रिलेशन रहता है पब्लिक से और पुलिस में वो और बढ़ता है.
और जो जरूरतमंद हजरात है उनके जो इलाज नहीं कर सकते, दवाखाने को जाकर पैसे खर्च नहीं कर सकते, रोटी डॉक्टर अंदर की गुड मॉर्निंग आई वेलकम ऑल एंड ऑल द पेशेंट्स एंड ऑल द स्टाफ ऑफ द ऑल द हॉस्पिटल्स ऑफ जेपीएम एंड द एमपी एंड पीएमपी एसोसिएशन आईएमए एसोसिएशन सभी डॉक्टर बंधुओं को धन्यवाद कहता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उनको हमने जब यहाँ की इच्छा जताई कि हमारे जगतियाल में भी कोई एरिया में जहाँ पर कोई स्लम एरिया है या फिर कोई गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए कुछ डॉक्टर द्वारा किया जाए, तो उन्होंने खुद ही इच्छा जता दी कि हम आपके साथ कैंप करने को कहीं पर भी तैयार है। ये जानते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये कैंप गांव में तो हमेशा करते हैं, एक बार जगत्याल शहर टाउन में भी किया जाए। स्वास्थ्य की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज तेलंगाना स्टेट में, राज्य में काफी अच्छी है, लेकिन इसकी अवेयरनेस हमारे लोगों में, पूरे भारतवर्ष में अभी भी काफी चीजों को लेकर बहुत कम है। से उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं कि अभी खर्चा नहीं है, ऐसे थोड़ा बीमारी है, क्या है, आराम कर लो ठीक हो जाते, वैसा नहीं होता है। जब डॉक्टर से उनकी सलाह ली जाए तो उसका सही समाधान हो सकता है। ये कैंप का मेन एक यही उद्देश्य है कि हम लोग आगे आए, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है और जो पब्लिक और प्राइवेट में जैसे एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, वो लोग आगे हैं और समाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। साथ में आप कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि समाज में जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनका जो रोल है वो समाज को साथ में लेकर आगे चलने का है और उसके समाधान ढूंढने का है और उनको सहायता करने का है। इसी विषय में हमने रियाज मामा से भी इस बारे में इतला की थी, उनको बताया था कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। उन्होंने भी आगे बढ़कर बाकी समाज के लोगों को साथ लेकर आए हैं, ये हमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो नए युवक भी हैं वो भी बेसिक फैसिलिटी का फायदा उठाएं। हिंदुस्तान में